नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपके पास लेजर प्रिंटर है और इसमें आप कॉर्टेज लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपका कॉर्टेज खराब हो गया है तो आप किसी ऑपरेटर को बुलाएंगे जो कॉर्टेज वगैरह काम करता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, आप स्वयं लगा सकते हैं। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो बताएंगे उसी स्टेप को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रिंटर है लेजर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे हमने यहाँ पे इजी तरीके से कार्टेज भरकर रखा हुआ है नया। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो डीलाइट कंप्यूटर है, जहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। आप जाकर वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वहाँ से लोकेशन ट्रैक कर जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रिंटर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक बटन दिया है, आप इस बटन को एक बार जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऊपर आपको पकड़कर ऐसे उठा देना है, यानी इस बटन को ऐसे दबाकर और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से उठा देना है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उठ गया है। अब यहाँ पे किस तरीके से कार्टेज को निकाला जाएगा आपको बहुत ध्यान समझना है। दोस्तों निकालने का बहुत इजी स्टेप है, बस यहाँ पे जो आपको इस तरीके से पॉइंट दिख रहा है, यानी अगर इस वाले में दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, आपको इसी को यहाँ से पकड़ना है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे चलिए दिखाते हैं, आपको ये इस तरीके से पकड़ना है, बस हल्का सा ऐसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इजी स्टेप है, बस आप हल्का सा इधर ऐसे करेंगे रोलिंग, उसके बाद बहुत इजी तरीके से निकल आएगा बाहर। तो यहाँ पे आपको बहुत धीरे से करना है, ज़्यादा आपको इसमें प्रेशर नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये देखिए कितना ईजी से इस तरीके से आपको खींच लेना है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्टेज है बिल्कुल ईजी तरीके से निकल गया है। और ये देख सकते हैं कितना इजी स्टेप है इसका निकालना। तो आप भी निकाल कर अपना काम कर सकते हैं। अगर आप कॉटेज निकालना नहीं जानते हैं तो इस तरीके से आप निकाल कर उसको आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे निकलने के बाद आप नया कैसे लगाएंगे, चलिए उसके बारे भी हम दिखाते हैं। तो इसके लिए यहाँ इसको हम साइड में रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास नया वाला है इसको इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा नया है, जैसा कि देख सकते हैं। तो अब इसको हम सेम उसी तरीके से ऐसे कर लगाएंगे। आपको दोनों यहाँ पे जो साइड है बहुत ध्यान से लगाना है, इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि इजी स्टेप में जाएंगे। देखिए इस तरीके से हो गया, बस आप इसको ऐसे पकड़कर धीरे से दबाएंगे और ये जाम हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज देना है कि आपको कैबिनेट को इसको जो इसका खुला हुआ है इसको ऐसे दबाकर नहीं बंद करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैंड लगा है, इसको बहुत ईजी तरीके से आपको बंद करना होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको बंद करना है। तो बंद करने के लिए बस हल्का सा यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे, हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद आप धीरे से ऐसे डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट होकर बैठ जाएगा और आपका प्रिंटर हो जाएगा रेडी। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कार्टेज कैसे लगा सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्प लगी हो तो आप इसको शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।